Hello everyone, welcome back to my new vlog. It's Maria here and today I'm making baked potatoes. So let's start with the recipe. सबसे पहले हम आलू लेंगे और उन्हें अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और इन पोटैटोज़ को हम एक ही शेप में कट करेंगे, चाहे वो फिंगर शेप हो या चाहे वो जिस तरह की मैंने अभी कट की है ये वाली शेप हो, या आप जिस भी शेप जो आपको पसंद हो, लेकिन उसका साइज़ हमेशा एक ही होगा और साइज़ भी ये छोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। छोटे होंगे तो जल जाएंगे, इसलिए मीडियम साइज़ इसका रखना है और शेप इसकी ये भी अच्छी है और फिंगर शेप भी आप रख सकते हैं, लेकिन ज़रा काफ़ी थिक उसकी शेप रखेंगे और साइज़ भी, क्योंकि फिर ये जल जाता है अगर ये ज़्यादा छोटा और थिन रखा जाए तो। तो अब मैं इसको थोड़ा सा लाइट सा बॉईल करूँगी और उसमें 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर लूँगी और इसको बॉईल सिर्फ 5 मिनट के लिए ही करना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं। उसके बाद ये देखें, बस लाइट सा बॉईल करना है इसको, 5 मिनट आई थिंक इट वुड बी इनफ। और उसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद मैं उसी पैन में मैंने नमक मिर्च और मसाला और ये अजवाइन डाल रही हूँ, चुटकी भर अजवाइन डाली है। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और अब मैंने 1/2 टीस्पून इसमें ओरिगैनो ऐड कर दिया है, ओरिगैनो का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी मैं, 1 टेबल स्पून करेंगे, क्योंकि चाट मसाले का टेस्ट अच्छा आता है। आप भी अपने टेस्ट के और क्वांटिटी के हिसाब से नमक मिर्च ऐड करेंगे। और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और मैंने 5 पोटैटोज़ लिए थे और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून इसमें वैसे फुल लेमन जूस डाल दें, फुल एक बिग लेमन हो वो सारे का सारा जूस ऐड कर सकते हैं। और अगर लेमन नहीं अवेलेबल घर में तो आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से ताकि, और इसको मैरिनेट कर दें 5 से 10 मिनट के लिए। जब तक आप रखेंगे तो आप अपना ओवन प्री हीट कर लें, उतनी देर ओवन अच्छे तरीके से वो गर्म हो जाए। और उसके बाद ओवन ट्रे लूँगी, इसके ऊपर फॉइल पेपर सेट कर देंगे। फॉइल पेपर के बगैर भी बन जाते हैं, अगर ना भी हो तो इट्स ओके, लेकिन फॉइल पेपर से ये होता है कि आपका जो पैन है वो जलता नहीं है, वरना पैन आपका बहुत ज़्यादा जल जाता है। इसके जो मसाला वगैरह लगाया होता है ना वो इतना ज़्यादा चिपक जाता है कि पैन आपका सेकेंड डे ही वो ख़राब हो जाता है फिर फौरन यूज़ के बाद। तो इसलिए फॉइल पेपर लगा लें अगर आपको पैन की लुक अच्छी चाहिए हमेशा, वरना तो फिर वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, नॉन स्टिक के पैन फुल ब्लैक हो जाते हैं। एनीवेज मैंने इसको फैला लिया है और पोटैटोज़ को सेपरेट सेपरेट रखना है, एक दूसरे के ऊपर नहीं आए वरना ये पकेंगे नहीं अच्छे तरीके से। अब मैं ओवन में इसको रखूँगी और ओवन की मीडियम फ्लेम रखेंगे, 250 डिग्री रखेंगे इसकी, और 250 से ज़्यादा नहीं इसकी डिग्री हाई करेंगे और इसको मिडल में ही रखेंगे। और आफ्टर सम टाइम आप इसको चेक करती रहें कि नीचे वाली अगर साइड पक गई हैं तो आप इसको साइड को चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर दें आप। और सम टाइम तो बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल पक जाती है तो फिर आप सबकी साइडें खुद से चेंज कर लें, अगर हाथ से चेंज कर लें, मेरे हाथ से चेंज कर लें, स्पून से चेंज कर लें, और उसके बाद दोबारा इसको अंदर रखें और फिर जो नीचे वाली साइड होगी दोबारा से पक जाएगी। ये देखें ऑलमोस्ट रेडी हैं। एक दफ़ा फिर इसकी साइड चेंज करके मैं थोड़े से और इसको क्रिस्पी कर लूँगी। अगर इसकी अप साइड आपको लग रही है ज़्यादा क्रिस्पी नहीं है तो थोड़ा सा और इसको क्रिस्पी कर लें। और फिर मैं इसको ओवन में रख के अब इसको दोबारा निकालें। अभी डन है और लीजिए मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं और मैंने बहुत इजी रेसिपी बताई है। और इसकी बाकी शेप्स भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, राउंड है, फिंगर है, ये भी बहुत अच्छे बनते हैं और आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये फ्रेंच फ्राइज से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।